और ये जो है बर्ड्स को, पक्षियों का शिकार करके खाता है, और ये मेरे जो उंगली है इसको निगलने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मेरे पास चार सांप है, चारों अलग अलग वैरायटी के हैं। इसमें दो सेमी वेनमस है, एक इसके अंदर जो है वो हाईली वेनमस है जिसको हम स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, और ये जो है ये नॉन वेनमस है। ये जो है माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक है, हमारे जो सह्याद्री बेल्ट है इस एरिया में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए आए हुए थे, तो ये हमारे कुछ मेहमान इधर आए हुए हैं, तो ये दांडेली घूमने के लिए, दांडेली को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन्हीं के साथ हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, सांपों को। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, बारी बारी हम आपको सांपों से परिचय कराएंगे। तो अभी ये ग्रीन वाइन स्नेक, ये माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक, फिर ये फोरस्टेन कैट स्नेक, और यहाँ पर हमारे बादशाह सलामत है जो अभी हम इनको बाहर निकालेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नॉन वेनमस से। इसको जैसे ही हवा मिलेगी वो बाहर आएगा, अब मैं इधर से खोलने के बाद में इधर से हवा बाहर जाएगी तो उसको रूट मालूम पड़ेगा कि कहाँ से बाहर आना है। सांप बिल्कुल समझदार है, ढक्कन खोलते ही बाहर आ गया। हम ये सब बॉटल्स जो हैं हमारे, इसको वापस ले जाते हैं। हम ये जो माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक होता है इसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है इसी से इसका नाम ट्रिंकेट स्नेक रखा गया है। और ये जो है नॉन वेनमस होता है बिल्कुल ही, और ये पेड़ों और ज़मीन पर दोनों जगह पर रहने की इसमें काबिलियत होती है, और ये नॉन वेनमस है बिल्कुल ही। ये अपने कैमरामैन की तरफ अपनी पूरी तरीके से पोज दे रहा है और अपने आप को दर्शा रहा है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, देखिए। और ये हो सके तो पेड़ पर चला जाएगा। ये ऐसा छोटा सा दिखने से अजगर की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये अजगर बिल्कुल भी नहीं है, और ये खुद ब खुद अपने जहाँ पर जाना है उसको वहाँ पर चला जाएगा। मैं जैसे ही टच करूँगा ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा। ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत ये सांप है। कांटे तो इसके अंदर वेनम नहीं रहता, इसीलिए मैं इसको नीचे छोड़ देता ताकि स्पीड से जाए। ये ज़्यादा ज़मीन पर रहता है, ज़मीन के ऊपर ज़्यादा ट्रैप। तो ये फोरस्टेन कैट स्नेक है, ये सेमी वेनमस रहता है। सेमी वेनमस यानी कि इसके अंदर पॉइजन पाया जाता है, लेकिन इसका जो वेनम होता है ये वेनम इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता। और ये दिखने में आपको ट्रायंगल शेप में दिखता है, देखिए ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप होता है इसका सिर। और इसको फोरस्टेन कैट स्नेक इसीलिए बोलते हैं कि इसकी आंख जो है वो बिल्ली की तरह दिखाई देती, यानी कि कैट आई, तो इसीलिए इसको कैट स्नेक कहते हैं। और इसके ऊपर का जो पैटर्न देख रहे हैं ये ब्लैक एंड वाइट है, और इसी में बिस्किट कलर में पाया जाता है। इसका पैटर्न जो है बिस्किट कलर में इस तरीके से पैटर्न पाया जाता है। ये एकदम ट्री में रहने वाला सांप है, और ये किसी भी तरीके से इंसान को हानिकारक नहीं है। ये साउंड करके डराता है, लेकिन ये बाइट किया तो कुछ नहीं होता। तो चलिए मैं इसको भी पेड़ पर छोड़ देता हूँ। ये भी वहाँ गया, ये भी नीचे जा रहा है। ये इसका साइज यही बड़ा होता है कि और बड़ा होता है? और बड़ा होता है कि यही सबसे बड़ा साइज है। साथियों ये जो फोरस्टेन कैट स्नेक होता है इसका साइज 6 से ऊपर होता है, बहुत 6.5 फीट होता है, और ये छोटे मोटे सांपों को भी खाता है, और ये ज्यादा करके पक्षियों को खाता है, पक्षियों के अंडों को ये खाता है। तो चलिए अब हम अपना तीसरा सांप बाहर निकालते हैं जिसको हम लोग ग्रीन वाइन स्नेक के नाम से जानते हैं। और ना कुछ
ये देखिए बाइट करने के मूड में है ये, आप इसका मुंह देख सकते हैं। सर ये काटेगा तो कुछ काम नहीं होगा, ये भी काटे तो कुछ नहीं होता। बहुत एंग्री है, जर्रा चुका गुस्सा है। ये देखिए ये बाइट करने के कोशिश में है, इसका मुंह वो चिड़िया का ये जैसे होता है। हाँ हाँ ऐसा है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है चोंच के सर का दिखाई दे रहा है। बाबा ये एकदम चोंच के सर, चोंच के जैसा चिड़िया का चोंच। लोगों का अंधविश्वास है कि ये जो है सिर के ऊपर वार करता है, और सिर के ऊपर वार करने से इंसान की मौत होती है इनका कहना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चाहे तो मेरे सिर पर वार कर दे, लेकिन ये वार नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा तो मूवमेंट के ऊपर वार करेगा। ये देखिए ये मूवमेंट के ऊपर किस तरीके से वार करता है, और ये इसका जो वेनम होता है इससे कुछ होता नहीं, इसीलिए मैं मेरे इस उंगली को कटवा के दिखाऊंगा आपको। इसके अंदर जो होता है वेनम, इसका जो वेनम होता है ये सेमी वेनमस होने की वजह से ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ये बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं है हमारे लिए। इसका जो वेनम है ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, और ये जो है बर्ड्स को पक्षियों का शिकार करके खाता है। और ये मेरे जो उंगली है इसको निगलने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर जो दांत होते हैं वो हमारे जो उंगली है, मैं क्रॉस रखा हूँ इसके लिए मेरी उंगली अभी सही सलामत है, नहीं तो ये उंगली मेरी आधी तक निगल लिया होता। तो इसको मैं, ये तभी मुझे छोड़ेगा जब मैं इसका बॉडी छोड़ूंगा, ये अभी छोड़ेगा मुझे, जैसे ही बॉडी पकड़ूंगा ये मुझे पकड़ लेगा। मालूम बढ़ाने सर, ये तो लंबा होता था, वो आपको दांत का दाग आया क्या दिखाई? ये देखिए इसका बाइट मार्क पड़ा हुआ है। हम लोग पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, हम हमारे जो हाथ हमारे जो शरीर है, साउंड कम। तो ये क्या है, ये जो है सेमी वेनमस है, इसके जहर से मुझे कुछ नहीं होगा। और ये जो कहावत है कि सर पे वार करता है और जगह पर इंसान खत्म हो जाता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इसके बारे में। और ये अंगूर की बेल की तरह इसका शरीर दिखाई देता है, इसीलिए इसको वाइन स्नेक कहते हैं, ग्रीन वाइन स्नेक। ये पेड़ों पर रहता है, ये छिपकली और पक्षियों के अंडे और ये भी छोटे मोटे पक्षियों को खा लेता है। और ये छिपकलियों को खाते हुए मैंने खुद अपनी आँख से देखा है, मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है उसमें ये छिपकली को खा रहा है। तो चलिए इसको भी मैं पेड़ पर छोड़ता हूँ, ये अगर पेड़ पर चला जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो कमरे लेगा, बाइट करेगा? हाँ ये बाइट करता है, ये जो है एग्रेसिव है थोड़ा, स्पीड में जाने दो। वो जंगल पेड़ में ही रहता है, ये पेड़ में ही रहता है। ये पेड़ में जाने के बाद में कैमोफ्लेक्स हो जाता है, अभी हम लोग उसको पकड़े हुए कैमरा में इसीलिए दिखाई दे रहा है, वरना ये थोड़ी देर के बाद में ओझल हो जाएगा हमारी आंखों से। पत्तों के कलर में और इसके शरीर के कलर में ज़्यादा फर्क नहीं है, पूरा मिल जाएगा क्या पत्तों? हाँ पत्तों के कलर के साथ में ये मिक्स हो जाएगा और हमको दिखाई नहीं देगा आगे। हम थोड़ा सा इधर उधर अपनी नज़र हटाने के बाद में ये खुद कहीं ना कहीं छिप जाएगा। तो अभी हमारे राजाओं के राजा नागराज, स्पेक्टिकल कोबरा जिसको हम कहते हैं, गेहवन के नाम से जिसको जानते हैं, नागराज जो शंकर भगवान के गले का सुकून है, हलाहल जो विष होता है जिसको वो पिए थे, वो गले में उनके गर्म झाल होने की वजह से नीलकंठ, तो नीलकंठ कहलाते हैं, और उस जगह को ठंडा रखने के लिए वो सांप को लपेटते हैं अपने गले पर। तो वही सांप मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो शिव जी से मैंने परमिशन लिया हुआ है थोड़ा सा, कुछ मुझे जगह नहीं, कुछ नहीं उतरा था। ये हमारे स्पेक्टिकल कोबरा है, आराम से। ये अभी मेरे तरफ आएंगे, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था जो मेरे तरफ ये बढ़कर आया। ये देखिए अभी अपना असली रूप दिखाएगा। तो मैं इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए
ये देखिए बहुत ही शांत है, ये आराम से मेरे हाथ में चला आया। तो अभी मैं इसको बाहर छोड़ देता हूँ। ये जंगल में जाने के बाद मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है और उसकी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखिए मैं इसके पीछे किस तरीके से जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं जा रहा हूँ ये भागने की कोशिश कर रहा है, और उसको वहाँ पर बिल मिलेगा। इस साइड में बिल है उसके लिए, ये बिल है इधर, यहाँ नहीं है बिल, इस साइड में है। तो वो भी छोटा सा बिल है, ये देखे चला गया, ये देखिए किस तरह से अंदर बैठा हुआ है। तो अंदर चला गया, हाँ देखो अंदर ने, ये देखो दिख रहा ने। दिख रहा। तो साथियों यही है वो बिल, जहाँ पर ये सांप जो है स्पेक्टिकल कोबरा अपने आप को छुपा कर बैठा हुआ है। और जैसे ही इधर उसको शिकार वगैरह मिलेगा, ये यहाँ पर शिकार करके अपनी जीवनचर्या चलाएगा। और ये जो सांप होते हैं, ये किसी भी मेंढक को, चूहों को पकड़ने के लिए उनका जो फेरोमोन्स होता है, उनकी जो यूरिन की स्मेल होती है, उसको वो फॉलो करके उस तक पहुंच के अपना शिकार वो हासिल कर लेंगे। हमें इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुदरत सबका निज़ाम बनाए हुए है, सबका इंतज़ाम कुदरत खुद करती है। हमें को वो डायरेक्ट हम रॉ मटेरियल्स नहीं खा सकते, बल्कि हमको कमाना पड़ता है और हमें कुछ पका कर खाना पड़ता है। तो चलिए साथियों, ऐसे भी जानकारियां मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे तो मेरे चैनल के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, यही कहते हुए सेव नेचर सेव स्नेक सेव एनिमल।